कि हम आम जन इस देश की राजनीति की फितरत को समझ चुके हैं। भारत में आज भी जाति और धर्म के नाम से भारत वाकई में ही टूटा हुआ है। उनको इस देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। शासन प्रशासन या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष उन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को निगलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं। 4 या 5 महीने रह गए होंगे लोकसभा चुनाव को लेके। वहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रचार करने में व्यस्त हैं। जहां जो भाजपा सरकार है वो राम मंदिर के उद्घाटन में बिजी है जो 22 जनवरी को होने वाला है, वहीं जो राहुल गांधी है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वयं भगवान। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है और सब लोग प्रचार उसमें व्यस्त हो गए हैं, तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, देश के अंदर जो भी राजनीतिक दल जिस भी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, सब एक चीज़ तो ये मान लीजिए कि हम आम जन इस देश की राजनीति की फितरत को समझ चुके हैं। अभी राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा स्टार्ट की है, वो वाक्य में ही उन्होंने इस देश के अंदर उस सत्य को, पक्ष को रखा है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर संविधान स्थापित हो जाता, न्यायपालिका स्थापित हो जाती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी विभागीय नियम कानून अगर अपना ठीक से काम कर रहे होते, तो राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या न्याय यात्रा से देश की गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा? देखिए मैडम, अगर इस देश के अंदर अगर संविधान के मुताबिक अगर इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति विशेष अगर अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाता है, तो बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी। क्योंकि पार्टी विशेष की जो लोगों की सोच है, हर पार्टी का अपना एजेंडा है। आपको भी अच्छी तरीके से मालूमात होगा कि निर्वाचन आयोग में जब भी किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस पर वो अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराता है। तो जब उसकी अपनी आइडियोलॉजी है तो वो संविधान को या इस देश के जो भी शासन प्रशासन के नियम अधिनियम है उनको महत्व नहीं देता है। तो आपको नहीं लगता यात्रा निकालने से अच्छा उन्हें महिलाओं के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, किसानों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? उन्होंने जो न्याय यात्रा का जो शुरुआत किया है, उन्होंने वाकई में उस पहल को बहुत अच्छा शुरुआत की है। क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, उन 543 में उस एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई भी छुप जाती है और वो काम नहीं कर पाता। जैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, उसी तरीके से न्याय यात्रा भी सफल हो पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली थी, उन्होंने उसमें भी सच्चाई को ही दर्शाया। बहुत से लोगों ने, आपके मीडिया के माध्यम से ही सुनने को मिला, लोगों ने कहा कि भारत टूटा हुआ कब था। भारत में आज भी जाति और धर्म के नाम से भारत वाकई में ही टूटा हुआ है। आज आपको कहीं पे भी, गली मोहल्ले पे, नुक्कड़ पे, या आपने इंटरव्यू में भी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो देखते हैं लोगों के अंदर कितना आक्रोश है व्यक्ति विशेष के ये खिलाफ। कोई अपनी बात नहीं रख पा रहा, जबकि संविधान में तो अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो न्याय यात्रा रखी है, राहुल जी भाप चुके हैं कि इस देश को आज़ादी मिले हुए इतने दिन हो गए, हमारे 75 सालों से, लगभग 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, लोगों को न्याय से बहुत पिछड़े हुए हैं।
संवैधानिक समानता के मौलिक अधिकारों से बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये बात को रखने के लिए 543 के 43 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं, लेकिन उनमें से एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात को रखने की हिम्मत दिखाई। और ये सत्यता है, उन्होंने सत्यता को रखा है। लोग इस बात को किस नजरिया से ले जाते हैं वो उनका अपना सोच विचार है, लेकिन हम आम जन इस बात को मानते हैं कि राहुल जी ने दोनों जो पहल की, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा की, इस देश की सच्चाई की परिस्थिति को हम आम जन के बीच में रख दिया। और हम आम जन का भी उत्तरदायित्व बनता है कि उनको हम लोग सहयोग करें और उनके तरह काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कहने का मतलब है हमारे देश के समानता के मौलिक अधिकार सुरक्षित हो पाए और जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिल पाए। जब देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका होने के बाद में भी, और वो सत्यता है जो आप लोगों को नजर आती है, और उसमें आपने देखा होगा बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाता है, एक पुलिस स्टेशन की कार्रवाई बनती है FIR दर्ज कराना, उस पीड़िता की सुनना और उस पर कार्रवाई करना, नहीं हो पाती है। अच्छा, एक और मुद्दा जो है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, राम मंदिर की बात कर लेते हैं, तो उस पे जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में आया था कि भगवान राम वहां पे नहीं आएंगे। धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, और चाहे एक छोटा चैनल हो चाहे एक बहुत बड़ा चैनल हो, ये राष्ट्रीय मंच है, ये चैनल नहीं है। और राष्ट्रीय मंचों पे एक दूसरे धर्मों के ऊपर छिटाकसी करना, ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। और वही बात है कि इस देश के अंदर राजनीतिक दलों के लोग इस देश के संविधान को मानते ही नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी, और वो उन्होंने अपने राजनीतिक दल अपनी आइडियोलॉजी पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो लोग जब संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं तब भी वो न्याय को, संविधान को, देश के शासन प्रशासन के बने कानून अधिनियमों को कोई महत्व नहीं देते, नहीं मानते, जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको मीडिया में हर एक राजनीतिक दल के अलग अलग तरीके से बयान मिलेंगे। और हमारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये एक राष्ट्रीय मंच है, चैनल या खबर का माध्यम ही मत समझिए, और इनके ऊपर भी ऐसी चीजें आना, हमारा संविधान हमें रहने के लिए हर भारतीय को एक बराबरी का। हाँ, मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जहाँ राम मंदिर इतने बड़े स्तर पे उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, मोदी जी कह रहे हैं दिवाली मनाई जाएगी, वहीं ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, अब भी समय है क्योंकि मस्जिदों पे खतरा आ गया है, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो अब ये इस तरह की टिप्पणी देना कहाँ तक सही है? ओवैसी जी एक बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, और अभी मौजूदा स्थिति में वो इस देश की लोकसभा के सदस्य भी हैं, उनको इस देश के संविधान पर विश्वास नहीं है और नहीं करते हैं, जिस वजह से इस तरीके के उनके बयानबाजी आई। उनको लगता है भाजपा विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में, क्योंकि जो भाजपा है उनका एजेंडा स्टार्टिंग से ही रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा संविधान, जब इस देश की सरकार, इस देश की सरकार के प्रधान सेवक के, प्रधानमंत्री के पद पर अगर मोदी जी भी आकर बैठे हैं, तो इस संविधान की अंतर्गत उसकी बनाई हुई प्रणाली के, प्रक्रिया के तहत वो प्रधानमंत्री बन पाए हैं, तो उनकी बात, और उन्होंने किसी मंच से, उन्होंने तो, मैंने तो सुना नहीं। और ये इस तरीके की चर्चाएं, मैंने कहा ना, मीडिया के मंचों पे हो रही है, देश की संविधान में तो, संसद में तो नहीं हुई ना। और फिर इतने पढ़े लिखे
होने के बावजूद ऐसी बात करना, ये दिखलाता है, ये समझाता है कि वहाँ पर जाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही इस देश के संविधान पे, न्यायपालिका पे, चुनावी प्रक्रिया पे, किसी चीज़ पे किसी को भी विश्वास नहीं है। उन चीज़ों को देखकर राहुल जी ने उसी चीज़ की पहल भारत जोड़ो यात्रा से की। उन्होंने कहा, लोगों ने मजाक बनाया, वो सब गलत था, क्योंकि राहुल जी जान चुके थे कि देश के अंदर देश जाति और धर्म में बढ़ता जा रहा है। इस देश के अंदर शासन प्रशासन या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष, उन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को निगलते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और अभी जो न्याय यात्रा निकाली उसका भी यही गहराई है उनकी इस पहल की, हमको सुनने को मिल रहा है। और आज हमको लगभग 75 साल के करीब होने आए आज़ादी के, और आज भी हमारे यहाँ पर पीड़ितों को या पीड़िता को न्याय के लिए या अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने में भी 3-3, 4-4 महीने मिलते लग रहे हैं। उससे क्या लग रहा है? उससे यही चीज़ें साबित होती हैं कि हमारे देश के अंदर न्याय से आम जन बहुत पिछड़ा हुआ है, और इन लोगों को संविधान के मुताबिक न्याय मिले उसकी उन्होंने पहल की, जबकि वो उंगली उनकी तरफ भी करती है क्योंकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन ये बढ़कपन है, ये हर कोई नहीं कर सकता जो उस कमी के ऊपर काम करने के लिए आम जन के बीच में निकलकर बढ़ चढ़कर भाग ले। और हम भी हमेशा मायूस होते हैं जब हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है, मदद नहीं मिलती है, तो हम भी कहते हैं कि हाँ, हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और उन्होंने, और मेंबर पार्लियामेंट होते हुए उन्होंने इस चीज़ को माना और लोगों के बीच में निकल गए, जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे उनको। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, हम आम जन का अब तक में देखने से, सरकारों के विचार विमर्शों को सुनने से ये लगा 2024 में हम लोगों की, ये अनुमान ही समझ लीजिए, हम लोग तो इतनी चीज़ें जानते नहीं हैं, लेकिन 2024 के अंदर किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। ये कारण जो लोकसभा सदस्य हैं वो अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, जिसके बदौलत अब राजनीति का गिरावट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी जो सरकार है इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से तमाम मुद्दे नज़र ही आ रहे हैं कि इनका ये भी कहना है कि न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, वो भी सफल ही होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा भी सफल होगी। और भी तमाम मुद्दे उठ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, ईवीएम को लेकर भी तमाम चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे भी लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहे।